हेलो, आज का क्वेश्चन आया है, कैसे पता चले कि हमारा मेनोपॉज पीरियड चल रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल फीमेल या मोस्टली फीमेल इसको एक्सपीरियंस करती है मेनोपॉज को, और ये टोटली नेचुरल आप है, ये एक प्रोसेस होता है आपके हार्मोन चेंजिंग का, और समटाइम्स स्टिल आपके पीरियड्स होते हैं वाइल सम मंथ्स अर्लियर आपको ऑलरेडी सिम्टम महसूस होते हैं, यू फील दैट सिम्टम्स। वीडियो शुरू करने से मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने लव वन से, और इस तरह सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके एक्चुअली मेनोपॉज है क्या और किस सिम्टम्स क्या हैं, और हर फीमेल को इसके बारे में पता हो कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं हमें मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है या ऑलरेडी वो मेनोपॉज के अंदर है। सबसे पहले ये होता है कि मेनोपॉज में आपको जॉइंट पेन होना, आपके पेन में आपके स्वेलिंग होना फीट के अंदर मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, आपकी विजाइन ड्राई हो जाती है, पेन होती है, आपको स्ट्रेस होता है, आपका लो लपीद होता है मगर आपकी विश नहीं होती सेक्स करने की, आपको यूटीआई सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी आपकी लूज शुरू रहती है, एक फोक्स होता है, एक जैसे क्लाउडी सा आपके माइंड के अंदर है कि आपको पता नहीं कि आप कुछ भूल रही हैं या कुछ चीज़ को गलत में, मतलब ऐसी बात ना हो जो आप उस पर ट्रस्ट कर रही हो, ये भी उसका मेनोपॉज का सिम्टम होता है। आपकी हार्ट बीट का एकदम सडनली बढ़ जाना, यू कैन फील कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, और नाइट रात के टाइम स्वेटिंग होना, आपको हॉट फ्लशेस आना, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आप काफ़ी अनकम्फर्टेबल होते हो, ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फेस पे बालों का ज़्यादा आना, आपके फेशियल पे मोर हेयर्स आते हैं। इसके अलावा हेडेक होना और माइग्रेन होना आपको, ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। फीलिंग आप ऐसा फील करते हो जैसे कि आप अपने सेल्फ को लूज कर बैठे हो, मतलब यू लूज़ योर सेल्फ, इसको कैसे बोलेंगे अपने जमाने में, कि आप समझते हो कि आपने सब कुछ लॉस कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, ये भी इसका मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। डिसकम्फर्टेबल होता है, मतलब डिस्कम्फर्टेबल होता है जैसे लपीदो लेस होता है, डिसकम्फर्टेबल होता है ड्यूरिंग सेक्स के, तब भी आपको ये होता है महसूस, डिफ़िकल्ट स्लीपिंग आपकी ब्रोकन हो जाती है, आप स्लीप नहीं कर पाते, रात को स्लीप करते हो टूट टूट कर स्लीप आती है, आपको गर्मी लगना, सर्दी लगना, हार्ट फ्लैशेस आना, समटाइम आपकी बॉडी स्वेटिंग हो जाती है, या कभी आपकी बॉडी आपकी नेक या आपकी चेस्ट पे रेडनेस हो जाना, स्वेट हो जाना वहाँ पे, ये भी इसके मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपकी स्किन चेंज हो जाती है, मतलब चेंजिंग स्किन होती है, लाइक कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है आपकी स्किन, या आपको इवन आप अडल्ट होते हैं आपको एक्ने आ जाते हैं आपके फेस पे, ये भी मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आपका चेंज, मतलब आपका मूड चेंज हो जाता है, अगर आप एकदम अगर हैप्पी हो एकदम आपका गुस्से का मूड बन जाएगा, हर चीज़ आपको तंग करेगी, एवरीथिंग आपको डिस्टर्ब करेगी, ये भी इसका हो सकता है। इसके अलावा आपको कानों में आवाज़ आना, साउंड आना, कभी कोई सीटी मारा, विसल कर रहा है, कभी विंड की होती है, अब वो चीज़ यूँ महसूस करते हैं कि आप कुछ विसल, इसको हम टेनिमिटीज बोलते हैं, ये भी इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा अनएक्साइटी होता है आपको, ये सब इसके मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, और ये टोटली नेचुरल है, और इसमें मेरे ख्याल से जो मेल होते हैं लाइक मेल अपने कपल को उनको समझने की ज़रूरत होती है कि ये उनके एक हार्मोन चेंज होता है, समटाइम वो गुस्से में होते हैं, तो इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनका ये टाइम चल रहा है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देम, ये डिपेंडिंग बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन के हार्मोन चेंज की वजह से उनका मूड अप एंड डाउन होता है, खुश होते हैं, कभी खुश होते हैं एकदम रोना शुरू कर देते हैं, सैड होते हैं विदाउट एनी, कोई भी ऐसी बात नहीं उस पर आपको सैडनेस होता है, तो ये सब चीज़ होती है। सब टाइम मेल चाहता है रिलेशन बनाना, आपकी पार्टनर आपको रिलेशन बना रही, वो भी इसका ये है कि दे आर नॉट इन विश, कि उनको उनका एक मूड ही नहीं है, एक उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, ये नहीं कि आपके इंटरेस्ट आप में इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब उनका ये टाइम ऐसा होता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने डॉक्टर से जू कीजिए, समटाइम आपको कोई ऐसा इसमें आपको डिजीज भी हो सकती है, लाइक आप कार्डियल डिजीज होती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, आपको हड्डियों की डिजीज होती है क्योंकि मेनोपॉज की वजह से, तो आपको अपने डॉक्टर से भी रिव्यू करना चाहिए इसके बारे में। और इसके अलावा नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हैं जिसको हम ओनाग्रे बोलते हैं स्पेनिश में, और इंग्लिश में उसको आप कहते हैं कॉल आई थिंक सो इवनिंग प्राइम रोज, वो आप यूज़ करें कैप्सूल एक सुबह शाम, इससे आपके सिम्टम्स कम होंगे,
इसके अलावा आपके मार्केट के अंदर मेनोपॉज के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, ये भी आपके सिम्टम्स को बहुत कम करते हैं। मोस्टली स्पेन के अंदर जो मैंने बोला आपको ओनाग्रा, ये मोस्टली ये यूज़ करते हैं फीमेल अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए। दिस इज क्वाइट हेल्पिंग दैट। और इसके अलावा और आपका क्वेश्चन हो यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ इन योर फैमिली। और मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको इस चीज़ की इन्फॉर्म मिल सके।